हेलो गाइस, दिस इज विजय फटक है तुझे। आज हम बात करने वाले अलग से टॉपिक के ऊपर, जो चीज़ मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की थी उसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले, आईओएस के बारे में, सेक्शन है हेल्थ के। लेट्स बिगिन। तो आईओएस को लेके इतना सारे लोग क्यों उत्साहित होते हैं, हमेशा आईफोन ही क्यों चाहिए होता है लोगों को, तो कुछ इसके रीजंस है और जो मैंने पर्सनली फील करी हुई चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो है आई मैसेज। इसके जैसा कोई भी मैसेंजर आज तक मैंने यूज़ नहीं किया है, ये काफ़ी बेहतरीन है एंड इसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे फंक्शन हैं। और एक बेहतरीन चीज़ कि इनके अंदर की सिक्योरिटी, अगर आप आईफोन यूज़र हो एंड आप जिसे मैसेज भेज रहे हो अगर वो भी आईफोन यूज़र है तो ग्रेट डील बन जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी होता है। डेटा जब तक आपका लीक नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट नहीं पूछेगा कि आपके फ़ोन के अंदर क्या है, या फिर गवर्नमेंट डिमांड नहीं करेगा कि इंडिया के अंदर आईफोन्स के अंदर क्या हाल चल रहा है, तब तक ये फ़ोन सिक्योर होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट को लेके, जो कि निकल के आता है एनिमेशंस। आईफोन्स के अंदर जो भी एनिमेशंस यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, थोड़ी सी लैगी से फील होती है डेफिनेटली स्क्रीन की वजह से, क्योंकि अगर 60 हर्ट्ज की जगह अगर मान लो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो अभी एंड्रॉइड के अंदर हम देख रहे हैं, कुछ उस तरह से अगर रिफ्रेश हर्ट्ज वाले अगर अच्छे स्क्रीन्स अगर आईफोन्स के अंदर आ जाए तो काफ़ी बेहतरीन मजा आएगा। लेकिन फिर भी जो स्क्रीन क्वालिटी और जो एनिमेशन की क्वालिटी आपको मिलती है आईफोन्स के अंदर, वो किसी और फोन्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट को लेके, डार्क मोड, जो कि काफ़ी बेहतरीन है किसी भी अदर फोन के बाद। आप कोई भी फ़ोन परचेज कर लेना, सैमसंग ले लो, आप LG ले लो, आप नोकिया का ले लो, लेकिन जो डार्क मोड की फीलिंग आपको आईफोन के अंदर आएगी वो किसी भी फ़ोन के अंदर नहीं आएगी। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है आईओएस के अंदर। अगर आप वॉलपेपर अगर चेंज करते हो तो वॉलपेपर के अंदर आप अगर डे टाइम है तो उस तरह से अगर आप डार्क मोड अगर सेलेक्ट करते हो तो उस तरह से वॉलपेपर जो है वो एडजस्ट हो जाता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा था फोर्थ पॉइंट, क्लॉक। फिर से बेहतरीन काम यहाँ पे आईओएस करता है। आप किसी भी वक्त पे अगर क्लॉक को ओपन करते हो तो जिस तरह से आपको दीवार पे टंगी हुई क्लॉक उसी समय का समय दिखाती है, तो कुछ उसी तरह का एनिमेशन आईफोन्स के अंदर यूज़ किया जाता है एंड ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, जो कि मैंने आज तक किसी फ़ोन के अंदर नहीं देखी, मैंने पर्सनली नहीं देखी। अगर आपने देखी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा फिफ्थ पॉइंट, कीबोर्ड। अब आईओएस का कीबोर्ड इतनी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप बिल्कुल भी मिसस्पेल नहीं होते। अगर आप मैनुअली टाइप करते हो, आपका ऑटो कैपिटल, ऑटो वगैरह सारी चीज़ें अगर फिर भी आपकी बंद है तो भी इतना परफेक्ट टाइपिंग आईफोन के ऊपर होता है, जो आज तक मैंने किसी फ़ोन के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं किया एक्सेप्ट लूमिया। नोकिया की जो लूमिया सीरीज थी उसके अंदर काफ़ी बेहतरीन टाइपिंग का एक्सपीरियंस था। मेरे पास लूमिया का आई थिंक 700 सीरीज का फ़ोन था, लूमिया 720 या फिर आई थिंक लूमिया 720 मेरे पास था, 720 आई डोंट थिंक, ओके आई फील 720 मेरे पास था। तो लूमिया 720 के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था टाइपिंग का वो काफ़ी बेहतरीन था। अब उसके बाद आईओएस के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो आईओएस के अंदर कीबोर्ड का टाइपिंग काफ़ी बेहतरीन होता है। और एक ये फीचर आपके लिए, ये स्पेस बार को आप अगर आप इस तरह से मूव करते हो तो आप कहीं पे जाके भी, मतलब आपको यहाँ वहाँ टच करने की ज़रूरत नहीं। आपका फ़ोन अगर छोटा भी है, आपका फ़ोन का स्क्रीन साइज़ बड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ आईफोन्स छोटे साइज़ में होते हैं तो उनके अंदर ये काफ़ी अच्छा फीचर है एंड अगर आप बड़ा भी आईफोन यूज़ करते हो तो आपको हमेशा यहाँ वहाँ दूसरा हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, तो ये काफ़ी बेहतरीन फीचर मुझे लगा। अब हम बात करते अगले पॉइंट के बारे में, जो कि सिक्स, सिक्योरिटी। अब हमेशा मैं सिक्योरिटी के बारे में बात करता हूँ एंड सिक्योरिटी इज नंबर वन प्रायोरिटी, बिकॉज आपका डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से। अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है या फिर कुछ भी चीज़ अगर हो जाती है तो जो सिक्योरिटी आईफोन्स के अंदर आपको मिलती है वो किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर शायद ही आपको देखने को मिले। अब सिक्योरिटी के मामले में लेके, अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड के आईफोन्स के अंदर, अगर मान लो कुछ गिने चुने आईफोन्स के अंदर भी आ जाती है तो एक साथ सारे आईफोन्स को पूरे वर्ल्ड के अंदर सिक्योरिटी अपडेट जो है वो रोल आउट किया जाता है। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। अब जबकि हम अगर एंड्रॉयड में देखें तो एक कंपनी मान लो सैमसंग, वो सबसे पहले अगर प्रॉब्लम फेस करती है तो उसके बाद नोकिया करेगा, उसके बाद कुछ इस तरह से सीक्वेंस होता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता,
लेकिन इस तरह से सीक्वेंस होता है, लेकिन ये जो सारी चीजें होती है एक ही बार में एंड्रॉइड के अंदर बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती जो आईओएस के अंदर होती है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। अब मैं बात करता हूँ सीरी को लेकर। अब सीरी इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन आईफोन के अंदर आप जब भी सीरी से बात करते हो तो सीरी जो है आपकी आवाज़ को पहचानती है एंड कहीं पर आप सीरी से बात कर सकते हो, अब चाहे आपसे फ़ोन दूर हो या ना हो। ये सबसे बेहतरीन चीज़ बनाती है सीरी को। एंड्रॉयड के अंदर अगर हम एक्सपीरियंस करें तो जो हायर एंड्स के फ़ोन हैं उनके अंदर आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और जो नीचे वाले फ़ोन से उनके अंदर एक्सपीरियंस आपको अलग से मिलेगा, लेकिन आईफोन के अंदर जब भी आप सीरी यूज़ करोगे तो सेम सा ही एक्सपीरियंस होगा, लेकिन काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। अगला हमारा पॉइंट है जो कि हमारा आठवां पॉइंट निकल के आता है और वो है फोन है। अब बेसिक सी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि इन्हीं चीजों का मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। फोन लगाना, किसी को मैसेज करना है, फिर किसी को मैसेज भेजना, या फिर मान लो कि छोटी मोटी सी ब्राउजिंग सीरीज से कुछ दो चार सवाल पूछ ले, लेकिन फिर भी इनके अंदर आप आईफोन का जब भी डायलर पैड खोलते हो एंड डायलर पैड क्लोज करते हो तो जो फ्लुएंट सा एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना वो किसी भी फ़ोन के अंदर मैं आपको बताता हूँ आपको नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा आईफोन के साथ रहा, तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं आईफोन के अगले प्लस पॉइंट के बारे में जो कि सेटिंग्स, राइट। एंड्रॉयड के अंदर चीज़ क्या है कि मान लो कि आपने ब्लूटूथ खोल लिया, अब ब्लूटूथ को आपको बंद करना है, रेडियो बंद करना है, तो आपको रेडियो बंद करने के लिए आप सीधा स्क्रीन से ही कर सकते हो, राइट। आपने नोटिफिकेशन सेंटर नीचे कर लिया और नोटिफिकेशन सेंटर नीचे करके आपने वहाँ पर टैप कर दिया, आपका ब्लूटूथ जो है वो बंद हो गया। कुछ उसी तरह से वाईफाई का है, लेकिन आईफोन के अंदर आपको सेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आप चाहो तो ड्रॉबैक भी कह सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि अगर सारी सेटिंग शॉर्टकट के अंदर ही मिल जाएगी तो सेटिंग ऐप का मतलब ही क्या होगा, राइट। तो सेटिंग ऐप देने की जरूरत ही नहीं। तो आगे चल के सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट जरूर होगी। देखिए सारी सेटिंग्स जो है एंड्रॉयड की आप कहीं से भी बदल सकते हो, लेकिन आईफोन के अंदर आपको प्रॉपरली सेटिंग्स के अंदर जाना होता है, जो चीज़ आज भी आईओएस ने बरकरार रखी है। और एंड्रॉयड के अंदर जो है वो इसका मतलब जो है सेटिंग्स का मतलब जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। अब मैं बात करना चाहूँगा अगले पॉइंट के बारे में जो कि आता है बैटरी लाइफ को लेकर। अब बैटरी लाइफ को लेकर आप अगर सोच रहे हो कि आईफोन के अंदर हमेशा बैटरी लाइफ कम ही होती है, डेफिनेटली होगी। अच्छा प्रोसेसर अगर आप फोन के अंदर लगाते हो वो अगर परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है तो डेफिनेटली बैटरी ड्रेन करने वाला, चाहे आप 4000 mAh का बैटरी लगा दो या फिर 4500 mAh का बैटरी लगा दो। अब आपके यूज के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरह से बैटरी बैकअप मिलना चाहिए। मैं इस पॉइंट को डिफेंड नहीं कर रहा, डेफिनेटली डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप पावरफुल प्रोसेसर किसी भी चीज़ के अंदर इस्तेमाल करोगे तो वो डेफिनेटली एनर्जी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम ही करने वाला है। तो इस चीज़ के बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एंड आईफोन्स के अंदर अभी भी लिथियम आयन की ही बैटरी यूज़ की जा रही है, इसके कुछ रीजन्स हैं एंड उन्होंने स्पेसिफाई करे हुए उनके साइट के ऊपर, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एंड सिक्योरिटीज के अंदर मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, डेफिनेटली जब भी आप आईफोन के अंदर कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो सारी चीज़ों के बारे में पहले आपको डिटेल बताई जाती है कि ये आपका कौन कौन सा डेटा लेने वाला है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे लिए जब भी मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करे हुए हैं और जो चीज़ों की परमिशन मैं देना चाहता हूँ वही चीज़ों की मैं परमिशन दे सकता हूँ एंड एप्लीकेशन रन कर सकता हूँ जो कि एंड्रॉयड के अंदर नहीं होता, राइट। तो आज के लिए बस इतना है। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन।